हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन होने वाला है दिल्ली सल्तनत की नेक्स्ट रूलर, दैट इज़ रजिया सुल्ताना। पिछले वीडियोस में हम लोगों ने कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पढ़ा था। उसके बाद हमने इल्तुतमिश को देखा, इल्तुतमिश के बारे में डिस्कशन करा, और अब हम डिस्कस करने वाले हैं इल्तुतमिश जो डॉटर थी रजिया सुल्ताना, इसके बारे में, रजिया सुल्ताना के बारे में। इल्तुतमिश का जो बेटा था जिसका नाम था रुकुमुद्दीन फिरोज शाह एज एन उत्तराधिकार ये गद्दी पे आया। तो लेकिन इसके पास वो योग्यताएं नहीं थी जिससे वो दिल्ली के शासन कर सके अच्छे तरीके से। लेकिन रजिया सुल्ताना के पास ऐसी योग्यताएं थी, तो रजिया सुल्ताना ने ऐसा डिसाइड करा कि वो दिल्ली की गद्दी पे आएंगी। और रजिया सुल्ताना ने फिर दिल्ली की गद्दी पे शासन करा, कब से कब तक, दैट इज़ 1236 टू 1240 टाइम पीरियड ऑफ रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान का ये टाइम पीरियड है। तो रजिया सुल्तान वॉज द फर्स्ट फीमेल मुस्लिम रूलर इन दिल्ली सल्तनत, द फर्स्ट फीमेल मुस्लिम रूलर इन दिल्ली सल्तनत। वी कैन टेल फर्स्ट फीमेल मुस्लिम रूलर इन इंडिया। तो रजिया सुल्ताना जब अपने गद्दी पे आई, तो जो इल्तुतमिश के राज्य में जो 14 तुर्क रानी थे, जो चहलगानी थे, उन लोगों ने काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस डाला, और उन्हें ये मंजूर नहीं था कि रजिया सुल्ताना एज अ फीमेल वो दिल्ली की गद्दी पे आए और उनके नीचे इन लोगों को झुकना पड़े। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो रजिया सुल्ताना थी वह इस्लाम की परंपराओं का उल्लंघन किया उसने। लेकिन अगर राजनीतिक दृष्टि से देखें तो हम ये कह सकते हैं कि उसने राज्य में जो उनकी शक्ति थी, जो सरदारों की शक्ति थी और जो सूबेदार की शक्ति थी, उसमें जो डिवीज़न ऑफ पावर हो जाता, इल्तुतमिश के ना होने से, उसके डेथ के बाद रुकुमुद्दीन फिरोज शाह अगर वो गद्दी पर आता तो उसके पास उतनी योग्यताएँ थी नहीं जो वो देखता। तो इनके डेथ के बाद जो सूबेदार हैं उन लोगों में डिवीज़न ऑफ पावर हो जाता, जो चहलगानी हैं, जो सूबेदार हैं, वो लोग के बीच पावर का डिवीज़न हो जाता और एक राज्य सही तरीके से चल नहीं पाता। तो अगर हम इस दृष्टि से देखें तो ये काफ़ी सही था कि रजिया सुल्ताना एज अ मुस्लिम रूलर दिल्ली सल्तनत में आई। तो रजिया सुल्ताना ने अपने शासनकाल में किस किस चीज़ को अलाउ करा अपने कोर्ट में, इनर कोर्ट ही अलाउड कुबा एंड कुला एंड ही रिमूव्ड द पर्दा सिस्टम। इन्होंने पर्दा सिस्टम को अप्लाई नहीं किया। और यहाँ पे कुबा और कुला का क्या मतलब है, तो कुबा मीन्स योर कैप, वो कैप पहनती थी, एंड कुला मीन्स होता है यहाँ पे कोट, शी वॉज वेयरिंग कोट एंड कैप एंड अवॉइडेड द पर्दा सिस्टम, मतलब वो पर्दा को अवॉइड करा उन्होंने। रजिया सुल्ताना अपने गद्दी पे आने से पहले उन्हें काफ़ी ज़्यादा रोका गया 14 तुर्कानी ग्रुप के थ्रू। तो जो रजिया सुल्ताना वो जुम्मे की नवाज पढ़ने टाइम वो जब पब्लिक के सामने जाती हैं तो वो पब्लिक के सामने अपने सच को बताती है। उसके बाद जो सिटीज़न हैं, जो पब्लिक है, उन्हें फिर उन्हें अलाउ करते हैं कि वो मतलब गद्दी पे आए
इस तरीके से, तभी ये गद्दी पे आती है। अन्यथा इनके इनकी जो दरबार में जितने भी लोग थे वो सब इसका विरोध कर रहे थे। रजिया सुल्ताना जुम्मे की नमाज में जब इन्होंने अपने बात को रखा, वंसी एक्सप्रेस्ड, तो इन्होंने रेड ड्रेस पहनी हुई थी, रेड ड्रेस वो रेड ड्रेस। तो रजिया सुल्ताना और जो चहलगानी थे, चहलगानी 14 तुर्किस ग्रुप, चहलगानी एंड आ रजिया, इनके बीच में हॉस्टाइल कंडीशन थी, हॉस्टाइल थी इनके बीच में, दुश्मनी पैदा हो चुकी थी, बिकॉज दे वॉन्ट कि रजिया सुल्तान के पद पे ना आए और ये आई, इस कारण से इन दोनों के बीच में एक दुश्मनी पैदा हो गई थी। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये आती है कि जो रजिया सुल्ताना है, इन्होंने अपने कोर्ट में, अपने दरबार में इन्होंने लोअर क्लास मुस्लिम्स को प्रमोट किया, प्रमोटेड लोअर क्लास मुस्लिम्स। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि लोअर क्लास मुस्लिम कौन थे, तो जमालुद्दीन याकूत खान, जमालुद्दीन याकूत खान, ये एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ये निग्रो थे जो कि साउथ अफ्रीका से आए थे, और ये लोअर क्लास के मुस्लिम थे, तो ये वॉज बेसिकली निग्रो जाति के थे, निग्रो फ्रॉम साउथ अफ्रीका। रजिया सुल्ताना के कोर्ट में जमालुद्दीन याकूत खान अमीरे आखूर के पद पे थे, उसका मतलब होता है इस्तबल के अध्यक्ष, इस्तबल के अध्यक्ष। यहाँ पे हम कह सकते हैं अमीरे आखूर, उस पद का नाम था अमीर ए आखूर। एंड द नेक्स्ट पॉइंट यह दैट अल्तूनिया जो कि क्लोज फ्रेंड थे किनके, रजिया सुल्ताना के क्लोज फ्रेंड ऑफ रजिया, ये जो हैं वो गवर्नर थे कहाँ के, बठिंडा के, ही वॉज द गवर्नर, हम कह सकते हैं सूबेदार, गवर्नर ऑफ बठिंडा। सो जब इन्हें ये बात मालूम चली कि जो रजिया सुल्ताना है ये पद पे आ गई हैं, एंड जो 14 तुर्कगानीज हैं, जो चहलगानी हैं, उन्होंने इन्हें अपोज करने की कोशिश कर रहे हैं, तो अल्तूनिया ने बेसिकली इसका साथ ना देके इन्होंने ही हैव सपोर्टेड चहलगानीज, और इन्होंने फिर इनके साथ मिलके कंस्पिरेसी स्टार्ट कर दी रजिया सुल्ताना के प्रति। तो फिर रजिया सुल्ताना एंड याकूत खान, इन्होंने 1240 में इन्होंने अटैक करा किन पे, अल्तूनिया पे अटैक करा, इन्होंने करा था रजिया एंड याकूत खान, एंड याकूत खान इस अटैक में जो याकूत खान था उसकी डेथ हो गई, ही हैव बीन किल्ड, एंड इन्हें बंदी बना लिया गया, मतलब शी हैव बीन प्रिजन्ड, इसे बंदी बना लिया गया और ये इसकी इसकी यहाँ पे मौत हो गई। तो अल्तूनिया मतलब बठिंडा के जेल में रजिया कैद थी, तो जब ये कैद थी तो फिर दिल्ली के गद्दी पे कौन आता, तो इस टाइम में जो 14 चहलगानीज थे
चहलगानीज इन्होंने बहराम शाह को गद्दी पे बैठाया। तो बहराम शाह इसका टाइम पीरियड है 1240 से 1242 तक, गद्दी पे आया बहराम शाह। इस टाइम में रजिया जेल में कैद थी। कहाँ पे? तो भटिंडा में, जहाँ के सूबेदार कौन थे? गवर्नर अल्तोनिया। तो इसके बाद जब रजिया सुल्ताना जेल में कैद थी, तो फिर जो अल्तोनिया अल्तोनिया ने एक प्रपोजल जाहिर की रजिया सुल्ताना के पास कि वो सत्ता को पाने के लिए दोनों शादी करेंगे। तो फिर 1240 में ही रजिया एंड अल्तोनिया बोथ गेट मैरिड। और यहाँ पे इंटेंशन क्या था कि जो दिल्ली सल्तनत का जो गद्दी है, इस पे ये दोनों राज करेंगे। मतलब जस्ट फॉर गेटिंग सत्ता, सत्ता पाने के लिए इन लोगों ने शादी करी। गेटिंग सत्ता, ओके। तो 1240 में, तो फिर इन लोगों पे भी फिर क्या हुआ, इन फर्दर इन पे भी अटैक कर दिया गया कि इनके द्वारा चहलगानियों ने इन पे भी अटैक करा। अटैक्ड ऑन देम। तो ये फिर भाग के रजिया सुल्ताना एंड अल्तुनिया, ये दोनों भाग के हरियाणा पहुंच गए। हरियाणा हरियाणा में कैथल एक प्लेस है, यहाँ पे ये लोग पहुंचे और यहाँ पे रेस्ट कर रहे थे। उसी दौरान क्या हुआ कि इन पे कुछ डाकुओं ने हमला कर दिया, उससे इनकी डेथ हो गई, इन दोनों की डेथ हो गई। रजिया एंड अल्तुनिया किल्ड किल्ड हियर वे, इट इज इन कैथल इन हरियाणा। हम उनके मकबरे की बात कर लेते हैं, तो रजिया का जो मकबरा है वो एक खुला मकबरा है। मतलब उसकी जो छत है वो खुली हुई है। तो हम लिख सकते हैं खुली खुली छत, खुली छत का मकबरा। रजिया का रजिया ड्यू टू बीइंग अ फीमेल मुस्लिम लीडर शी हैव बीन फेल्ड टू रूल इन दिल्ली सल्तनत। मीन्स एक फीमेल होने के कारण इसे इसका इतना विद्रोह हुआ। सिटीजन्स और जो 14 ग्रुप ऑफ मेंबर्स थे, तुर्कानी थे, उनके द्वारा इसी कारण इनकी डेथ हुई। और शी फेल्ड वाई सी फेल्ड ड्यू टू बींग अ लेडी, ड्यू टू बींग अ लेडी रूलर। फिर इनकी डेथ के बाद यहाँ पे जो तो गद्दी से ऐसे भी हट चुकी थी, तो इनके बाद कौन आए थे? बहराम शाह, क्योंकि तो शासन अभी कर ही रहे थे। बहराम शाह 1240 से 42 तक इनका शासन चल रहा था। उसके बाद अलाउद्दीन महमूद शाह आते हैं। वन हंड्रेड एंड 42 to 46 तक। एंड इसके बाद नज़ीरुद्दीन महमूद आते हैं। नज़ीरुद्दीन
हाँ वो था, इनके टाइम पीरियड की बात करूँ तो यहाँ पे ये 246 टू 66 तक ये रूल करते हैं। द पॉइंट टू बी नोटेड हियर, एग्जाम में इससे कुछ क्वेश्चंस नहीं आते क्योंकि ये बेसिकली गुलाम थे किनके, तो 14 चहलगानीज के, ये स्लेव थे किनके, स्लेव ऑफ चहलगानी, ये वही काम करते थे जो काम इन्हें कहा जाता था करने के लिए चहलगानी के द्वारा। ये चहलगानी ग्रुप के मेंबर्स हम कह सकते हैं क्योंकि उनकी बातों पे ही चलते थे। उसके बाद 266 के बाद रूलर आते हैं एक जिनका नाम है बलबन। बलबन बलबन नज़रुद्दीन महमूद शाह को मार के गद्दी पे आते हैं उनकी हत्या करके। और नज़रुद्दीन महमूद शाह की बात करूँ तो ये इल्तुतमिस के छोटे बेटे थे, सन ऑफ इल्तुतमिस। इनके बारे में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है कि ये बहुत ही लिबरल थे, काफ़ी ज़्यादा लिबरल थे, एंड ये अपने पॉकेट की जो खर्च है वो भी हैंड वूवन कैप को बेचकर ही करते थे। बाई सेलिंग हैंड वूवन कैप, हैंड वूवन कैप मतलब हाथ से बने हुए कैप को बेच के ये अपनी पॉकेट खर्च भी करते थे। काफ़ी ज़्यादा लिबरल स्वभाव के थे और ये इल्तुतमिश के छोटे बेटे थे जिनका शासनकाल 246 से 266 तक चला। नज़ीरुद्दीन महमूद शाह को मार के बलबन गद्दी पे आता है। उसके बाद बलबन बलबन एक्चुअली ये भी मेंबर होता है 14 चहलगानी का। यहाँ पे हम आज की वीडियो में हमने डिस्कस करा कि रजिया सुल्ताना कैसे गद्दी पे आती है और कैसे उनको अपने गद्दी को छोड़ना पड़ता है और किस कारणवश। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस कर रहे होंगे अबाउट बलबन, कि बलबन कैसे अपने राज्य को संभालता है और वो कैसे रूलिंग में आता है। यहाँ पर हमने देखा कि रजिया के बाद बहरम शाह आता है, अलाउद्दीन महमूद शाह एंड नज़ीरुद्दीन महमूद शाह, इसको मार के बलबन आता है। नाउ बलबन के राज्य में उसने कैसे शासन करा, क्या क्या नीति अपनाई, इन सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो के लिए थैंक यू एवरीवन।